गाइस आज का सेमीफाइनल वन मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा सेमीफाइनल होने की उम्मीद थी, और जिस हिसाब से यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही थी शुरुआत कुछ उस हिसाब से रही, मतलब मैच कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। शुरुआत में हुआ क्या कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत कर चूस की गेंदबाजी, मतलब चेस करना चाहती थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। मुंबई इंडियंस उतरी पहले बैटिंग पे, पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक ने अच्छी शुरुआत दी टीम को, दो चौके लगाए। उसके बाद यहाँ पे रोहित शर्मा अश्विन की पहली गेंद पे, दूसरे ओवर अश्विन लगा, अश्विन की पहली गेंद पे LBW हो गई पहली बॉल पे, तो फिर यहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे मुंबई इंडियंस की तरफ आएगा क्योंकि कप्तान जीरो पे चलते बने थे। बट उसके बाद आए सूर्य कुमार यादव और क्विंटन डिकॉक को सूर्य कुमार यादव ने पार्टनरशिप लगाई, 40 करे यहाँ पे क्विंटन डिकॉक ने और 51 करे यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने। उसके बाद यहाँ पे क्विंटन डिकॉक की विकेट मिल गई, अश्विन ने दिलवाई विकेट। उसके बाद यहाँ पे क्विंटन डिकॉक आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की एक और हमें पार्टनरशिप देखने को मिली। सूर्य कुमार यादव ने आशा तक अपना पूरा किया, उसके बाद यहाँ पे नोकिया की बॉल पे सूर्य कुमार यादव भी डिसमिसल हो गए। उसके बाद यहाँ पे ईशान किशन ने स्पीड बनाई और ईशान किशन ने पार्टनरशिप लगाई। उसके बीच में आपको बता दूं कि यहाँ पे पोलार्ड भी आए, पोलार्ड जीरो करके आउट हो गए एंड कुरनाल पांड्या यहाँ पे 13 रन करके 10 बॉलों पे आउट हो गए। उसके बाद जो पार्टनरशिप आई वो बड़ी पार्टनरशिप थी और वो थी यहाँ पे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बीच में। 30 पे 55 करे ईशान किशन ने और 14 बॉलों पे 37 रन करे हार्दिक पांड्या ने, कोई चौका नहीं लगाया, सीधे 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसी के साथ जो टीम का स्कोर है था वो 200 पहुंच गया था, जो कि बिल्कुल 200 कभी लग ही नहीं रहा था कि ये टीम जाएगी 15 ओवर में ये टीम 118 थी। उसके बाद इस टीम ने पुश करा और 200 तक ये टीम पहुंच गई। अब 205 विकेट के नुकसान पे थे, 3 विकेट ली थी अश्विन ने और एक एक विकेट ली थी यहाँ पे नोकिया और स्टोइनिस ने। अब यहाँ पे लग रहा था कि ये मैच दिल्ली कैपिटल्स तो नहीं जीत सकती, बस शुरुआत अच्छी मिलेगी तो दिल्ली कैपिटल्स ये मैच बना भी सकती है क्योंकि पिच इतनी बुरी नहीं थी। बट शुरुआत क्या मिलनी थी, शुरुआती पहले 2 ओवर में मैच खत्म हो गया। कुछ ऐसा सा हुआ पहली बार ऐसा सेमीफाइनल मैंने देखा जो पहले के 2 ओवर में पता था कि मैच अब खत्म हो गया, अब यहाँ से टीम उठ ही नहीं सकती। स्कोर क्या था वो बता दूँ, पहला ओवर 0 रन 2 विकेटें, दूसरा ओवर 3 विकेटें 0 रन, ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई थी। पहली 2 विकेटें झटकी पहले ओवर में यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट ने, उसके बाद 1 विकेट ली बुमराह ने और उसके बाद पृथ्वी शॉ और धवन और राणे तीनों 0 पे आउट थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर 12 पे चलते बने, शानदार बैटिंग की मार्कस स्टोइनिस ने, 65 रन करे, टीम को एक ऐसे स्कोर तक ले गए जो मतलब एक फिर भी एक एक्सपेक्टेबल स्कोर था, वरना यहाँ पे टीम 100 भी नहीं बना रही, टीम 80 भी नहीं बना रही। पंत 3 पे गए, अक्षर पटेल बहुत अच्छी बैटिंग 42 रन करे, फिर डेनियल सैम्स 8 रन, फिर 15 रन करे रबाडा ने। इसी के साथ टीम 143 पे सिमट गई 8 विकेटों के नुकसान पे, 20 ओवर पर टीम खेल गई जो कि लग नहीं रहा था। ट्रेंट बोल्ट ने झटकी 2 विकेटें, बुमराह ने झटकी 4 ओवर में 4 विकेटें, 1 विकेट कुरनाल पांडे ने लिए, 1 विकेट पोलार्ड ने और 57 रन से मैच मुंबई ने जीता।